हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और ब्लॉग की शुरुआत करने से पहले जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। और मैं खड़ी हूँ किचन के आगे और समय हो रहा है 7:30। और बाहर घास आया हुआ है उधर बिखरे के पापे का। तो अभी मैं उठ के सबसे पहले नहा तो लिए हैं, आज जल्दी नहा लिए थे। और मैं करूंगी इस टाइम पीने के लिए अपना ड्रिंक वाटर, जो पानी बनाऊंगी मैं लेमन वाला। तो हम बनाते हैं, ये रहा मेरे हाथ में नींबू, इसका पानी, और ये रहा गड़बी में पानी। तो इसको हम गैस पे करते हैं गरम। और ये पानी गड़बी में रखा है तो पानी, गैस को थोड़ा सिम कर देती हूँ, नहीं तो किनारों से ना गड़बी जल जाती है। तो ज्यादा वैसे भी मेरे को इतना गर्म पानी चाहिए नहीं, थोड़ा गर्म पानी चाहिए। लेमन पानी जो हॉट वाटर होता है ये पीना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर के जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो निकल भी जाते हैं। और ये हमारे बॉडी को भी मॉइस्चराइज भी करता है। मॉइस्चराइज अगर खाली में लेमन लेमन का पानी पीती तो उससे हमारी स्किन ड्राई होती है, लेकिन इसमें मैंने डाला था हनी, तो वो हमारे शरीर को मॉइस्चराइज करता है अंदर से भी और बाहर से भी। तो इसीलिए जब भी आप अगर लेमन पानी पीते हैं तो उसके अंदर हनी जरूर मिलाया कीजिए। इससे क्या होता है कि हमारे जो शरीर के अंदर जो नमी है ना, जो बनी होती है, वो बनी रहनी चाहिए, ठीक है ना। और इसीलिए मैंने इसको, मैं तो पीती हूँ इसको। आप देखो, आप भी पीना शुरू करो। इसलिए वापस आई हूँ। बाहर नहीं लगा सकती झाड़ू क्योंकि बाहर पड़ा है अभी फिलहाल घास। चलो, अभी सारे घर का काम निपटा लिया है और निपटा के बैठे हैं और तैयार होके मुझे जाना है डाकखाने, क्योंकि ये पार्सल है, ये दीक्षा को कोरियर करवाना है और इसमें उसका कुछ सामान है। आपको एक बात बताती हूँ, जब ना मतलब कि हाँ, हमारे यहाँ पहले तो रेडियो वगैरह सुना जाता था, तो रेडियो पे एक प्रोग्राम आता था विविध भारती। तो वो इतना मतलब कि इतना उसके जो वर्ड होते थे ना, वो इतने उनमें सॉफ्टनेस होती थी वर्डों के अंदर कि बंदा ना उनको
जब वो बोलते थे तो नींद आ जाती थी, तो वो कैसे बोलते, बोलते थे कि हम विविध भारती से बोल रहे हैं, समय हो चुका है 5 और देश की सुरीली धड़कन विविध भारती। तो वो इतने, मैंने तो इतना अच्छा बोला भी नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छे ढंग से बोला करते थे, बड़ी मतलब कि सुन के ना ऐसा शांत सा हो जाता था मैं। और एक एक ऐसा आया, वो तो विविध भारती थी, और फिर FM आया, तो FM में क्या बोला जाता था, गुड मॉर्निंग इंडिया, मतलब कि सोया हुआ बंदा भी ऐसे ऐसे करके उठे, वो तो क्या उठेगा, उसके रोंगटे भी उठ जाते थे। वर्ल्ड में एनर्जी समाई हुई होती है, तो हम जितना ज्यादा वर्ल्ड पे अपना प्रेशर डालते हैं, उस वर्ल्ड में उतनी ज्यादा एनर्जी आ जाती है। तो ठीक वैसे ही मैं भी आपको ऐसे ही बोलती हूँ ना, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग, और ब्लॉग की शुरुआत करने से पहले जय श्री कृष्णा जय श्री राधे, ऐसे ही बोलती हूँ ना, क्यों बोलती हूँ, इसीलिए बोलते हैं ना, इतनी एनर्जी इसीलिए डालती हूँ ताकि आप भी एनर्जेटिक हो, मुझे बर्दाश्त करने के लिए, मेरे व्लॉग को देखने के लिए एनर्जी मिल जाए आपको। तो उम्मीद करती हूँ आज भी आपको एनर्जी मिल चुकी होगी, तो सहन कर लेना ऐसा कुछ। फाइनली गाइस मैं तो बना लेती हूँ एक छोटी सी रील्स, और आप देखिए दीक्षा और कॉलेज में क्या करते हैं, हुल्लू मचाती हैं, क्या धमा चौकड़ी कर रही हैं, उनको देखो जरा एक बार, उनको देख के आप उससे ज्यादा खुश हो क्या बोल रहे थे रितिका? क्या जाएंगे। बनाया? करेले की सब्जी, अच्छा बिने करेले की सब्जी पसंद है, बिने खा लेते हैं करेले को, विनय खुश हो गया था तो विनय के आज, पापा अच्छा विनय, हाँ विनय के पापा भी 6:30 की बस है, उसको मैंने भेज दिया उसके पापा के साथ, बेचारी अब वहां जाएगी। आपको ना वो दिसंबर, हम कहाँ जा रहे हैं अभी, हम जा रहे हैं ये बहुत गंदे रिएक्शन है। हॉस्पिटल दीपक, दीपक ही है ये, असली दूसरा दीपक है ये। बोल रही है हितेशी, ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले हम बोलते हैं जय श्री राम जय श्री कृष्ण, आप सब सही है गाइस? क्या गाइस, मैं भी जा रही हूँ तुम्हारे साथ, मैं भी आ रही हूँ तुम्हारे साथ रिपोर्ट्स लेने। सो गाइस अब समय हो चुका है सब्जी काटने का, और आज बनाएंगे हम बंद गोभी। बंद गोभी कोई नहीं खाता, इससे अच्छा खुली गोभी ले आते, बंद गोभी ले आई है, इन्हीं यही खाएंगे हम, तो कोई नहीं खाता। अब हम बना रहे हैं सब्जी, और आपने देख लिया होगा दीक्षा और क्या कर रहे हैं, गजब बेइज्जती, मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। अच्छा ठीक ये बताना कि जो मेरी बेइज्जती कर रहा है, जो मेरी मिमिक्री कर रहा है, मेरी मिमिक्री यानी मेरी नकल उतार रहा है, तो कमेंट सेक्शन में देना लिख के कि जो ये टाइम है ना तुम्हारे साथ, जो कॉलेज लाइफ होती है, हॉस्टल लाइफ होती है, स्कूल लाइफ से ज्यादा हम इस लाइफ को याद रखते हैं, क्योंकि इस लाइफ में आके हम जितनी ज्यादा मटर गश्ती करते हैं, जितना ज्यादा हम इंजॉय इस लाइफ को करते हैं, किसी और लाइफ को नहीं करते। तो जी लो अपनी जिंदगी, ठीक है ना, तो मजे से जियो, एक दूसरे के साथ अच्छे से जियो, ठीक है। ये समय दोबारा आप लोगों के ऊपर नहीं आएगा, जिस दिन तुम इस कॉलेज से जाओगे ना, तो एक दूसरे के साथ ना चिपक चिपक के रोगे, हाय तुम जा रही हो, ऐसे करके रोगे, देखना। एक बात नहीं सुन, मेरी बात सुन, पहले नहीं मेरी बात सुन, तुम्हें ये चीज पता है कि अगर मान लो किसी के लिए रुक जाए, अगर किसी को रुक जाएंगे तो उसका क्या हाल होएगा, रुक जाएगा, तुमने तो हंसी की बात है तुम्हारे लिए, तो सोच के तो देखो ना उसको क्या हाल होएगा उसका, तुम्हारा ही ना आए ना है पाद, तो तुम कितने वो हो जाते हो ना दुखी, यहाँ पे पेट में दर्द होता है वो होता है। मैं तुमको ना एक कहानी सुनाती हूँ, सुनाऊ कहानी, इधर आ इधर बैठ इधर हो जाओ। एक बार ना एक अकबर था और एक बीरबल, बीरबल था, अकबर और बीरबल था, ध्यान से सुन लो बीच में बस, एक अकबर था एक बीरबल था, तो अकबर का दरबार लगा हुआ था, तो अकबर के दरबार में एक आदमी आया, तो वो जब सभा लगी हुई थी तो उस आदमी का मुंह आ गया, हाँ पाद आ गया उसका, ठीक है ना, तो अकबर को गुस्सा आया, तो अकबर ने कहा हुआ बी ना ये किसकी हिमाकत है जो उसने मतलब कि मेरे दरबार में ऐसे पाद मार दिया, तो जो जिसने मारा था
वो आ गया आगे और उसने कहा कि भी मेरे से गलती हुई है, भी मेरा आ गया, भी ये कोई रुकने वाली चीज कोई है, ये तो आ जाता है। तो फिर ना उसको ना सजा दे दी इसी बात पे, उसको कहा कि तू मेरे राज्य से निकल जा, उसको निकाल दिया अपने राज्य से। तो बीरबल देख रहा था ये सब कुछ कि हाँ भी ऐसे ऐसे, बीरबल फिर जोन सा वो था ना जिसको राज्य से बाहर निकाला था, उसके पास गया कि तू ऐसे करियो कि ना तू वहां जाके फसल कर। तो वो सर्दियों में जाके वहां जाके फसल करते, तो पत्ते उगते हैं ना, पत्तों के ऊपर ना बूंदे पड़ी होती है ना ओस की, वो ऐसे लगता है जैसे मोती टिमटिमा रहे हो, तो बस हवा फैला देते हैं सारे उसमें राज्य में। है कि उसने ना बाहर एक किसान आया हुआ है, उसने ना मोतियों की खेती करी, मोतियों की खेती करी, वो ऐसे चमकते, वो ऐसे चमकते। अकबर तक भी बात पहुंच गई, अकबर कहता बीरबल को मैं तो देख के आऊंगा कि कैसे मोती है, तो वो देखने के लिए जाता है। तो फिर वो उसको कहता है, देखता है कि सुबह सुबह जब सूरज की किरणें उन बूंदों के ऊपर पड़ती है ना, तो वो चमक रही होती है। तो ना वो अकबर कहता है उसको, जो सा वो था जिस किसान, उसको कहता है कि मैं तोड़ लूं एक पत्ता भी जिसपे ये मोती है पत्ते पे लग रहे हैं, इनको तोड़ लूं। तो वो क्या कहता है राजा को कि राजा जी कि तोड़ लेना, पर इसके लिए एक शर्त है। तो वो कहता है भी क्या शर्त है, देखो जिसको कभी पाद, जो कभी पाद नहीं मारता ना वही इस पत्ते को तोड़ सकता है। अब राजा तो बेचारा ये बात सुन के बिल्कुल एकदम से वो रह गया कि पाद तो हर कोई मारता है, ठीक है ना, हर किसी के आते हैं, और तुम छोटी सी बात पे इतना हंसी कर लेते हो, उसका निकल गया, उसका निकल गया, उसका निकल गया, अब भी तो हंस रहा भी नहीं, ऐसे बात नहीं होती। दिखा अच्छी तरह से पीने दो, ऐसे कैसे जा, ऐसे ले लूंगी, पीलो पीलो दूध पियो सोएंगे। ओए फोन रख दे बीने, रख दे भाई फोन रख, चल ये गलत बात है। फाइनली गाइज अब समय हो चुका है व्लॉग को एंड करने का, और आई होप आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया हो। और जो नए व्यूवर्स मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो मेरे को मेरा व्लॉग अभी नया नया देख रहे हैं, तो उनसे भी पोलाइट रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें मेरी डेली रूटीन कैसी है और मेरी लाइफ, जैसे मैं अपने लाइफ को एंजॉय करती हूँ ठीक वैसे ही आप भी अपनी लाइफ को एंजॉय करो। और मेरी भगवान से भी यही प्रार्थना रहेगी कि आप सब भी अपने जीवन में इसी तरह से अपनी खुशियों को एंजॉय करें तो ठीक है। और तो अगर आपको कह दिया मैंने कि अगर वो लोग पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और भाई यहाँ तो ये सारे बैठे हुए हैं, अभी ने अपना फ़ोन में लगा हुआ है तो उससे अभी फ़ोन लेती हूँ, और टाइम 10 बज चुके हैं, तो आपको भी रेस्ट करना, हम भी रेस्ट करेंगे। तो कल मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।